कंपनी तो बढ़िया कंपनी में था, क्योंकि मैं तो किंगफिशर में ज्वाइन नहीं किया था, मगर मैंने एयर डेक्कन का था आफ्टर मार्जिंग 2000 दिसंबर किंगफिशर का एम्प्लॉय हो गया था। अगर कंपनी ऐसे कंपनी इंडियन एविएशन में शायद कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। मगर क्या हुआ ना, ये कंपनी जानबूझ के या पता नहीं कंपनी का मलिया का कुछ प्रॉब्लम के वजह से धीरे धीरे वो लोग हम लोगों का सैलरी डिले करना चालू कर दिया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसे 4 मंथ जब से डिले सैलरी चालू हो गया था तब से इम्प्लॉय लोग स्ट्राइक करना चालू कर दिया। मैनेजमेंट के साथ बहुत बार बैठा था हम लोगों ने, मगर उन लोगों ने कुछ आंसर दिया नहीं। हर महीना सैलरी नहीं मिलता था, अगर मिलता भी था तो 15-20 दिन डिले पे मिलता था। तो अल्टीमेटली 2012 दिसंबर फाइनल स्ट्राइक हो गया था बॉम्बे में। उसके बाद से कंपनी का एओपी सस्पेंडेड था। तो उसके बाद भी सब लोगों का भरोसा था कंपनी सर्वाइव करेगा, इन्वेस्टर आएगा, हम लोगों को भी ऐसा समझा गया, मगर अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। मैंने तो 2013 जुलाई में रिजाइन किया, अभी तक मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर सैलरी पेंडिंग है। और मेरे जैसे ऐसे कम से कम 1.5 से 2 हजार एम्प्लॉय रहेगा, उनमें से कम 1 हजार तो इंजीनियरिंग के ही रहेगा जिनको सैलरी मिला नहीं। अभी हम लोग ये लेके किसके पास जाए। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास भी मेल भेजा था, सर ने मुझे 6 मंथ बाद रिप्लाई भेजा था। जो मेरा जो मैटर है मैंने मेरा फुल डिटेल्स के साथ भेजा था, उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया था। जो ये मैटर उनने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया। आफ्टर 2 मंथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मेरे पास रिप्लाई भेज रहा है, ये प्राइवेट कंपनी है तुम्हारा, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कंज्यूमर फोरम में जाओ। अभी बात यह है, मेरा जो 1 साल का जो पेंडिंग सैलरी है लगभग 4 to 5 लाख जो है, उसके साथ ग्रेचुइटी भी है, तो ये पैसा कौन देगा। प्रॉब्लम हो रहा है हमारा, हो रहा है जो एक्स किंगफिशर एम्प्लॉय है उनका हो रहा है, मगर मलिया जी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उनको वीजा मिल रहा है कोई भी कंट्री में जाने के लिए, उसको पासपोर्ट का रिन्यूअल मिल रहा है, मगर ये काम अगर हमने करता तो हमारा क्या मिलता। यही मेरे को बोलना है, हमको गवर्नमेंट से प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए और उसका अगेंस्ट में स्टेप भी लेना चाहिए।